हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक सुपरमैन। टेक सुपरमैन चैनल पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे मोबाइल रिव्यूज़, गैजेट रिव्यूज़, टेक रिव्यूज़, कुछ टेक न्यूज़ एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा आज का ये जो पहला एपिसोड है वो है टेक न्यूज़ के ऊपर। टेक न्यूज़ का फर्स्ट एपिसोड अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का जो पहला न्यूज़ है वो आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अनवील कर दिया है इंडिया में उन लोगों का 2018 का स्मार्ट टीवी रेंज जो आ रहा है दो नए टेक्नोलॉजी के साथ। एक है उसमें एम्बिएंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो कि अभी तो बहुत सारे फ़ोन में अवेलेबल है लेकिन टीवी में ये अभी तक कोई भी टीवी में अवेलेबल नहीं है। सैमसंग ये फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहा है तो जो भी इसमें अपडेट्स होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, वो है एस वॉइस टेक्नोलॉजी। इस वॉइस टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप लोग वॉइस कमांड के हिसाब से टीवी कंट्रोल कर पाएंगे। सैमसंग ने उसके स्मार्ट रिमोट पे एक बटन ऐड किया है जिस पे आपको वॉइस कमांड, जिसको प्रेस करके आप वॉइस कमांड दे सकते हैं और उसके साथ आप टीवी कंट्रोल कर सकते हैं। ये टीवी का रेंज स्टार्टिंग रेंज होगा 64,900 के स्टार्टिंग रेंज से, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 2,45,000। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज का हम लोगों का वो है रिलायंस जियो के तरफ से। रिलायंस जियो ऑफर कर रहा है 3 GB पर डे डेटा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 3 GB पर डे डेटा। ये अभी इंक्रीज़ हुआ है फॉर दिस मंथ ओनली, फॉर जून। आज से आप अगर जून 30 तक रिचार्ज करते हैं तो आपको डेली का 3 GB का रिचार्ज डेटा मिलेगा कोई भी रिचार्ज के ऊपर। 149, 349, 399, 449 कोई भी रिचार्ज कीजिएगा तो आपको 3 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलेगा। जैसे कि 149 पे आपको मिल रहा है 28 डेज़ के लिए 3 GB के हिसाब से 84 GB डेटा। 349 पे आपको मिल रहा है 70 डेज़ के लिए 210 GB का डेटा। 399 पे 252 GB का डेटा 84 डेज़ के लिए एंड 449 पे 273 GB का डेटा 91 डेज़ के लिए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अब ये है दोस्तों, क्या इतना डेटा ज़रूरी है? आप लोगों को क्या लगता है इतना डेटा पर डे 3 GB का डेटा आप लोग क्या करते होंगे? तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का न्यूज़ है सैमसंग फोल्डेबल स्मार्टफोन के ऊपर है। ये सैमसंग फोल्डेबल स्मार्टफोन बहुत दिनों से रूमर्स में है, इसका बहुत सारा लीक्स हम लोगों ने देखा है बट फाइनली हम लोगों के हाथ कुछ डेफिनेट न्यूज़ लगा है। ये डेफिनेट न्यूज़ के हिसाब से सैमसंग ये अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करेगा 2019 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पे जो होने वाला है बार्सिलोना में। और इसका प्राइस होगा कोरियन मनी के हिसाब से 2 मिलियन के करीब, या फिर मैं अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करूँ तो उसका प्राइस होगा अराउंड 1,25,000 के आसपास। एंड और एक अच्छा र्यूमर ये है कि इसका नाम जो सुनने में आ रहा है उसका नाम हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी एक्स। हाँ दोस्तों, मुझे पता है ये तो सुनने में कुछ आईफोन एक्स जैसा लग तो रहा है बट आई डोंट नो ये नाम रखने के हिसाब से इन लोगों को कुछ एज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने लॉन्च किया है Mi A2 जो कि इंडिया में सेल में आने वाला है इसी जून में, मिड जून टू जून एंड के इस बीच में तो ये फ़ोन आ ही जाएगा सेल में। तो इस फ़ोन के ऊपर मैं कुछ फीचर्स आप लोगों को शेयर करूंगा। ये फीचर्स है जैसे कि इस फ़ोन का वेरिएंट्स, इस फ़ोन में होगा 4 GB का रैम, 32 GB का स्टोरेज या फिर 6 GB के रैम के साथ दो ऑप्शन मिलेगा आपको, 64 GB का स्टोरेज एंड 128 GB का स्टोरेज। इसका स्क्रीन होगा 5.99 इंच 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ और इसका डिस्प्ले होगा 1080x2160 फुल HD प्लस डिस्प्ले। इसका कैमरा सेटअप डुअल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल है और दोनों ही सोनी का कैमरा है तो इसका इमेज क्वालिटी आप सोच सकते हैं कैसा होगा। और इसमें AI टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया है Mi ने तो ये तो देखने लायक होगा। इसका एपर्चर होगा 1.75 और इसका फ्रंट कैमरा भी 20 मेगापिक्सल का है और वो भी सोनी का ही है। और इस पर आप वीडियो शूट कर सकते हैं, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर। तो आप सोच ही सकते हैं ये फुल ऑन कैमरा फ़ोन है।
लेकिन इसके ऊपर जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, तो इसका परफॉर्मेंस भी मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा होगा। आपको क्या लगता है नीचे ज़रूर बताइएगा। और ये अराउंड जून तक आ तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ ओप्पो फाइंड एक्स के ऊपर है। ओप्पो फाइंड एक्स का बहुत दिन से कुछ लीक्ड न्यूज़ आ रहा है, आज कुछ लीक्ड इमेजेस भी हम लोगों के हाथ लगा है, बट वो इमेजेस पूरा ब्लैक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा तो कुछ हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, बट कुछ तो हम उससे ये तो पता लगा सकते हैं कि वो कर्व्ड एज डिस्प्ले होगा, और ये जो डिस्प्ले होगा वो OLED डिस्प्ले होगा एंड इन्फिनिटी डिस्प्ले होगा। आगे जो भी अपडेट्स आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो सेम Xiaomi फ़ोन के ऊपर है। Xiaomi ब्लैक शार्क जो फ़ोन है, एक गेमिंग फ़ोन है, जो कि अभी तक हम लोग इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लॉन्च नहीं हुआ है। हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि ये लो फ़ोन यहाँ पे इंडिया पे कब लॉन्च होगा। तो Xiaomi का ब्लैक शार्क का रॉयल ब्लू वर्शन कल सेल होगा चाइना में। उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इस फ़ोन पे है 5.99 इंच का स्क्रीन एंड उसके साथ है 1080x2160 का फुल HD स्क्रीन। इसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 845, इसके साथ है एड्रेनो 630 GPU, इसमें होगा 8GB के साथ 128GB का स्टोरेज। ये सिर्फ एक ही इसमें लॉग मुझे दिख रहा है, इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी है, लेकिन ये 4000mAh का बैटरी है, तो मुझे तो लग रहा है इसकी ये बहुत अच्छा बैकअप देगा, बट देखते हैं ये इंडिया में कब आता है। इसका कैमरा सेटअप है 12MP प्लस 20MP और इसका फ्रंट कैमरा भी 20MP है। हम लोग आज का आखिरी न्यूज़ वन प्लस के ऊपर से है। वन प्लस का बुलेट वायरलेस हेडफोन्स के ऊपर है। वन प्लस का बुलेट वायरलेस जो हेडफोन्स है वो जून 19th को इंडिया में स्टार्ट होगा सेल होना। तो ये जो सेल होगा ये ओनली अवेलेबल होगा oneplus.in के ऑफिशियल साइट पे। इसका प्राइस रेंज उन लोगों ने रखा है 3990। हाँ दोस्तों 4000 रेंज के ऊपर है, उतना ज़्यादा भी नहीं है प्राइस, लेकिन ये जब आएगा तो हम लोगों को पता चलेगा इसका क्वालिटी कैसा है। दे आर क्लेमिंग के 10 मिनट के चार्ज पे आपको मिलेगा 5 आवर्स का बैकअप और 40 मिनट्स के फुल चार्ज पे आपको मिलेगा 8 आवर्स का बैकअप। इस पे फास्ट चार्ज तो है बट 10 मिनट पे 5 आवर्स का बैकअप, दिस इज़ रियली गुड। अब देखते हैं जब लॉन्च होता है तब आगे हम इसका अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपसे मिलते हैं कल बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू।